आइए आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर से, जहां सेक्टर नंबर 3 में स्थित एक शराब ठेकेदार के ऑफिस में घुसकर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा पिस्तौल दिखाकर करीब 16 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड स्थित शराब कार्यालय पर पूरी लूट की वारदात हुई है। पूरे मामले में 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों का शामिल होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद पीतमपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी तथा घटना में शामिल आरोपियों की तुरंत धरपकड़ को लेकर क्षेत्र में नाकेबंदी की गई है। आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पूरा मामला पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां सेक्टर 3 में स्थित शराब कंपनी के कार्यालय में 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर करीब 16 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। वहीं पीतमपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीतमपुर में मालवा रियल्टी करके एक शराब की दुकान है और इनका जो कार्यालय है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, यहाँ पर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास प्रियांशु मिश्रा, उनके जो मैनेजर हैं, जो उनका कार्य देखते हैं, वो अपनी सिलक गिन रहे थे और इसी बीच 2 लोग आए और कार्यालय में ही इनके कुल 3 लोग रहते हैं। वो लोग जो है अपने नित्यक्रम में लगे हुए थे, उनको बाहर से इन्हें कुंडी लगा दी और प्रियांशु को इनका कहना है कि रिवॉल्वर दिखा करके जो है इनसे पूरा कैश जो था वो लेकर के चले गए। एक व्यक्ति नीचे खड़ा था। इस तरीके से अभी तक की जानकारी में लगभग 16 लाख रुपये का जो है रोजाना बता रहा है। दिन दहाड़े सर लूट हुई है आज 10 बजे दिन में, तो इसके ऊपर सर कहीं कैसा लग रहा है, ये नाकाबंदी की है सर? जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी वैसे ही नाकेबंदी कराई गई और सर्चिंग की गई है और आसपास के जो प्राइवेट CCTV लगे हुए हैं उनकी भी फुटेज हमने देखा है। ओके सर, जो हमारी पुलिस की कार्रवाई होती है